आज हम सबको बहुत ख़ुशी है और हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि आज हमारे साथ नसरीन अजहर यहाँ मौजूद हैं एज़ आर चीफ़ गेस्ट नसरीन अजहर उन बहुत नायाब लोगों में से हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने अकीदे की पासदारी की है और ना सिर्फ़ पासदारी की है बल्कि उसके लिए बहुत डट के जद्दोजहद भी की है और सारी उम्र की है और वो अक़ीदा है इनका इंसान दोस्ती इंसानी हकूक़ और खसूस हकूक़ नस्वाँ नसरी नजर ने ज्याल के खौफनाक दौर में वेमेंज़ एक्शन फ़ोरम की बुनियाद डाली कराची में अपने कुछ हम ख़याल साथियों के साथ उसके अलावा वो नेशनल कमीशन और ऑन द स्टेटस ऑफ वेमेन की रुकन रही हैं इस्लामाबाद से आ, एच ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मंतखब मेंबर हैं और उनकी स्ट्रगल अभी भी मुझे याद है अब से कुछ साल पहले तक इस्लामाबाद में जहाँ कहीं कोई मुजाहरा कोई जलसा हो किसी भी ऐसे ऐशू uh, पर जो के जहाँ पे जुन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जा रही हो चाहे वो हमारी अकलीतें हों बलोच हों या और बहुत सारी ख़वान के मसाइल हों नसरी नजर वहाँ पर मौजूद होती हैं अगर उनके साथ दो लोग भी खड़े हुए हों तो वो वहाँ पर मौजूद होती हैं और कभी उनको बैठना पड़ जाता है लेकिन वो बैठ कर भी अपना हिस्सा उसमें डालती हैं और हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि आज वो हमारे साथ मौजूद हैं मेरी uh, आपसे वाबस्तगी उस वक्त की है जब मैं शायद सोलह सत्रह साल की थी कराची में आपका जो घर था कैंट स्टेशन के पीछे अरे मैं आज सोच रही थी मुझे नहीं आई कुड नॉट इमेजन दैट दैट हाउस हैड एन एंट्रेंस बिकॉज दैट हाउस वॉज लाइक एन एम्प्रेस ऑनेस्टली और वो आपके और असलम अजहर के खलूस की वजह से था आपने नस्लों को वहाँ पे नर्चर किया है दैट्स अ फैक्ट दस्तक ग्रुप जो थिएटर ग्रुप कराची का मशहूर थिएटर ग्रुप था जिसने ज्याल के दौर में स्ट्रीट थिएटर वहाँ पे शुरू किया मज़दूरों की बस्तियों में जाके कच्ची आबादियों में जाके, स्ट्रीट थिएटर उस तरह का जो कि शूर दिलाए उस वो आपके बगैर मुमकिन नहीं होता और उस घर में दस्तक ही की मीटिंग्स होती थी जहाँ पे तलबा होते थे शायर अदीब एक्टर्स थिएटर वर्कर्स सियासी कारकुन हर तरह के लोग और उसके वहाँ से बहुत लोग निकले और अब तक काम कर रहे हैं आपको इन सारी अपनी जद्दोजहद के एक्नॉलेजमेंट में शी इज़ द रेसिपेंट ऑफ द प्रेजिडेंशल ह्यूमन राइट डिफेंडर अवार्ड एज वेल एज द फर्स्ट हबीब जालिब का रिज अवार्ड गिवन बाय द औरत फाउंडेशन ऑन अ पर्सनल नोट इंतहाई नरम मिजाज लेकिन बहुत मज़बूत एक बहुत शफीक दोस्त जो कि अभी तक हम सबको यार कह के बुलाती है तो वी आर सो हैप्पी दैट योर हेयर और आपसे मैं पूछना चाहूँगी पहले तो मैं आपको बोल दूँ बैठे थैंक यू सो मच आप बैठी रहे अच्छा आप हमें बताइए कि आपका ये जो हमारी छोटी सी काविश है इसके बारे में क्या ख़्याल है और आपकी क्या तो हैं उनसे ब्लैक होल से भाई बहुत ज़बरदस्त काविश है और इसकी सख्त ज़रूरत थी जैसे परवेज़ ने कहा खास तौर पर इस्लामाबाद में जहाँ पे इतनी कतलने हैं और अब लगती जा रही हैं वो पीका आ गया <laughs> क्या आप किसी मतलब कोई भी आपके खिलाफ कोई डेफोमेशन का केस कर दे और वो जो है आपको उसमें एफ आई आर कट जाएगी और आपको वो छः महीने तक जेल में डाल देंगे और इसके ख़िलाफ़ इसके लिए कोई वो भी नहीं है बेल भी नहीं है तो मतलब ऐसे अजीब अजीब कवानीन आ रहे हैं हर तरह गने लग रही हैं सोच पे तो बहुत अच्छा आपने किया परवेज और सादिया मतलब बहुत मुबारक हो आपको कि आपने इतनी चीज हाँ पूरी टीम को मुबारक हो कि आपने इतनी अच्छी सोच रखी इसकी सख्त ज़रूरत थी इस्लामाबाद में और बाकी मैं क्या कहूँ ये कहूँगी कि हमारे तो मतलब सूबों के बारे में भी बात करते हुए लोग घबराते हैं और ये एक्नॉलेज करने में कि भाई हमारा जो मुल्क है वो बहुत मुख्तलफ लोग उसमें रहते हैं और उनकी अपनी अपनी सकाफत है अपनी अपनी काबिलियत है अपने है, अपने उनका कल्चर है और उनको हम कबूल नहीं करते हम चाहते सब एक जैसे हो जाए अब ये सब एक जैसे हो जाए तो कितनी बोरिंग दुनिया हो कितना बोरिंग मुल्क हो मतलब किसी को उसमें मेरा खाला रहने में कोई मज़ा ना आए और मुझे याद है जो फैज़ साहब ने कल्चर पे एक लेक्चर दिया था 1960 के किसी साल में तो उन्होंने कहा था कि हमारा मुल्क जो है वह फूलों का गुलदस्ता है और उसमें तरह तरह के रंग के फूल हैं और इसलिए वो इतना ख़ूबसूरत है मगर इसको आज तक हम इसको नहीं मानते और कोशिश करते हैं कि इसको हम बिल्कुल मतलब एक जैसा मुल्क बना बना बिल्कुल हाँ। <laughs> ठीक बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ ख़ुदा आपकी ये जो काविश है आपकी टीम को और आपको सादिया को सबको बहुत कामयाब करे और इसकी सख्त ज़रूरत थी है। पहले मुझे जब आपकी बात सुनी ना तो मैंने यानी आज नहीं पहले जब आपने जिक्र किया तो मुझे ये खदशा था कि भाई यहाँ तो सिर्फ साइंस की बातें होंगी <laughs> मगर ये कि बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे कल्चर और म्यूज़िक मौसीकी और रक्स और हर एक चीज़ की बात हो सकती है और सब कुछ हो सकता है बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे जो आपने ये मतलब एजाज़ किया भाई मैं बिल्कुल ये नहीं समझती कि मैं इसके काबिल हूँ यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो मेरे साथ थे और मेरे अलावा भी काम करते रहे हैं सारी उम्र तो सिर्फ उनकी नुमाइंदा के तौर पे यहाँ मौजूद हो बहुत शुक्रिया